भाई बोलना। लकी, स्वरा मुझसे प्यार नहीं करती। संस्कार, उसके मन की बात मैं जानता हूँ, पर मैं तेरे मन की बात पूछ रहा हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया है। हम दोनों दोस्त थे, फिर हमारे बीच प्यार व्यार की बातें कहाँ से आ गई? बोलना, क्योंकि तूने उस रात नशे में कहा था कि उस स्वरा से प्यार करता है, क्या वो सच था? हाँ, कहा था। हालांकि उस वक्त मैं नशे में था, उस वक्त मेरे मुंह में जो भी आया मैंने कह दिया लकी, पर वो सब एक झूठ था ताकि हम रागिनी की सच्चाई सबके सामने ला सके। भाई तू सच में तूने झूठ बोला था ना? हालांकि मैंने सच में झूठ बोला था। तू भी ना संस्कार, मुझे तो डरा ही दिया था। अब स्वरा और मुझे एक होने से कोई नहीं रोक सकता। और लकी, उसने तो कहा कि वो तुझसे, वो तो गुस्से में कहा था। देखना, इस बार भी वो पहली बार की तरह मान जाएगी, क्योंकि मैं जानता हूँ वो मुझसे आज भी प्यार करती है। उसकी आंखों में मैंने अपने लिए प्यार देखा है। स्वरा और मैं तो बने ही एक होने के लिए थे, अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। भाई भाई, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। बहुत टाइम के बाद अब सब सही हो रहा है। मैं मानती हूँ कि खुशखबरी कभी भी कहीं भी आ सकती है, तो सेलिब्रेशन के लिए मैं हमेशा अपने पास चॉकलेट्स रखती हूँ। लक्ष्य, संस्कार, आप दोनों का अंदर आना है, वकील साहब आ गए। जी भाभी, चलो भाई अब सब सही हो जाएगा। ये आपके आपसी समझौते के आधार पर हो रहे तलाक के एप्लीकेशन, एक बार इस पे साइन कर दीजिए, फिर इसे आपकी पत्नी को दे दिया जाएगा। मैं एक सेकंड के लिए भी रागिनी को अपनी पत्नी रहने नहीं दे सकता। और वकील साहब, मेरे और स्वरा के तलाक के कागज हाँ, वो एक मिनट। ये लीजिए। एक मिनट संस्कार। ये हुआ भाई साहब, छोरा तो खुद ही मांग रहा है ना तलाक के कागज, तो चाहता है तलाक तो फिर। सुझा था
हमने कहा था ना कि हम संस्कार से बात करेंगे। किस बारे में बात करनी है बड़े पापा? क्या हुआ? वही तो मैं जानना चाहती हूँ माँ, कि क्या हो गया है आप सबको? क्यों मेरे और संस्कार के रिश्ते को अलग नहीं होने दे रहे? शोना, हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ अपनी राय बता रहे हैं। जानना चाहते कि तू इसमें क्या सोचती है। फाइन, तो मुझे ये शादी नहीं चाहिए। हैप्पी? ठीक है, कोई बात नहीं। बस बस मैं चाहती हूँ कि तू सिर्फ एक बार फिर से संस्कार के बारे में सोच ले। शोना, संस्कार बहुत अच्छा लड़का है। माँ, मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर मैं उससे प्यार नहीं करती। फिर क्यों उससे शादी रखूं? क्योंकि बेटा, दोनों परिवारों को ऐसा लगता है कि तुम्हारा रिश्ता तोड़ने में हम कोई जल्दबाजी तो नहीं कर रहे ना। देखो संस्कार, लक्ष्य और रागिनी का रिश्ता तो नहीं जुड़ेगा, लेकिन तुम्हारे और स्वरा के रिश्ते में ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी वजह से ये रिश्ता तोड़ा जाए। हमें लगता है कि तुम्हें इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। नहीं माँ, मैं ये नहीं कर सकता। संस्कार, मना कर दिया, कर दिया मना, बात खत्म हो गई चिच्ची। अब मारे को ना लगता है कि और जिद करनी चाहिए छोरे से। लेकिन संस्कार, उस रात तो तुमने कहा था ना तुम स्वरा से प्यार करते हो। पर माँ, वो सब तो नशे की हालत में कहा था, उसका कोई मतलब नहीं। लक्ष्य, हम तुमसे तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे, मामला संस्कार का है, उसे बोलने दो। बड़े पापा, मुझे तलाक लेना है। पर अगर स्वरा इस शादी में रहना चाहे तो? माँ, मैं क्यों इस शादी में रहना चाहूंगी? क्योंकि बेटा, जरूरी नहीं है कि तू जिस तरह चाहे उसी तरह प्यार तेरी जिंदगी में आए। पता है क्या, जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो इल्जाम देकर रिश्ता तोड़ देंगे, पर ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इल्जाम लगने के बाद भी साथ निभाते हैं और रिश्ता निभाते हैं। शोना, माँ, मैं आपकी सारी बातें समझती हूँ। मैं मानती हूँ कि संस्कार में वो सारी क्वालिटीज है जो एक आइडियल हस्बैंड में होनी चाहिए। माँ, जिन हालातों में हमारी शादी हुई थी, मैं उसको नहीं भुला सकती, इसलिए प्लीज माँ, मेरा डिसीजन फाइनल, मुझे डिवोर्स चाहिए। और आज के बाद ये टॉपिक आप लोग दोबारा नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, तो चिंता मत कर, संस्कार पे कोई भी किसी भी तरह का दबाव नहीं डालेगा। वैसे भी जब तक तुम दोनों नहीं चाहते, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़े।
ये क्या बात हुई शर्मिष्ठा? स्वरा बात करने से मना कर रही है? अगर उसने मना कर दिया है तो उस पर दबाव तो नहीं डाल सकते। जोर जबरदस्ती के रिश्ते का अंजाम तो हमें देख ही चुके हैं ना शेखर। मैं दबाव डालने को ना कह रही हूँ, पर मना करने की कोई ठोस वजह तो हो। माँ वो स्वरा संस्कार से प्यार नहीं करती है, और फिर वो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते भी नहीं है। ऐसे कैसे नहीं जानते शर्मिष्ठा, इतने दिन साथ रहे हैं। तारिक और शेखर को एक करने में माने स्वरा की कितनी मदद की है। संस्कार का कोई रिश्ता ना था तुम दोनों से, फिर भी हद से आगे जाकर जिम्मेदारी निभाई है। अब और क्या चाहिए? और फिर स्वरा ने वजह क्या दी कि वो प्यार नहीं करती? शर्मिष्ठा, वही ऐसा तो नहीं कि स्वरा लक्ष्य से? नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने खुद मुझसे कहा था कि वो रागिनी और लक्ष्य को अलग नहीं करना चाहती है। आप सभी टॉपिक बंद क्यों नहीं कर सकते? स्वरा, देख बेटा, तू गलत समझ रही है। माना दादी कि दो तलाकशुदा लड़की का बोझ उठाना? ना ना, इसमें रागिनी को मत ला। अरे वो तो अपने पापों की सजा भुगत रही है। मारे को थारी चिंता है स्वरा। पर दादी मैं नहीं चाहती हूँ। स्वरा, मारी बात ध्यान से सुन। बेटा तूने इतना कुछ किया अपने माँ बाप के लिए, और वो सब होने के बाद अगर अब तू बिना किसी वजह के संस्कार से अलग हो जाएगी तो बेटा सोच, लोग हजार बात बनावे। जब धीरे धीरे तारे छोटे रिश्ते की बात लोगों के सामने आवेगी तब हाँ, और मैं शर्त लगाकर कह सकूं ये बात सबसे ज्यादा संस्कार की माँ लावेगी। और बेटा एक बार सच बाहर आ जाएगा तो मैं थारा हाथ कौन थामेगा? दादी कोई बात नहीं, अगर कोई मेरा हाथ नहीं थामेगा तो चलेगा मुझे, मैं रह लूंगी अकेले। मारे को पता है तू रह लेगी, पर थारे माँ बाप जिनके लिए तूने इतना कुछ किया, जब लोग उन पर उंगली उठावेंगे तब, जब उनकी परवरिश पर उंगली उठेगी तब। मारे को जो कहना था वो मैंने कह दिया, अब थारी मर्जी। मैं जानू हूं तू जो भी फैसला लेगी वो ठीक ही लेगी, समझदार है, जो करेगी सोच समझ के करेगी। तुम परेशान मत हो बेटा, जिंदगी तुम्हारी है और फैसला भी तुम्हारा ही रहेगा। दुनिया का क्या है? दुनिया के तो बहुत ताने पहले भी सहे हमने, फिर से सहेंगे। हमारे लिए तुम्हारी खुशी ज्यादा जरूरी है। दुनिया आज बोलेगी कल चुप हो जाएगी। दुनिया के दबाव में आकर हम अपनी बच्ची पर कोई दबाव नहीं डाल सकते, उनकी खुशियों का दांव पर नहीं लगा सकते। तू जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। माँ मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। अगर अब तू बिना किसी वजह के संस्कार से अलग हो जाएगी तो बेटा सोच, लोग हजार बात बनावेंगे। मारे को पता है तू रह लेगी, तू सब सहलेगी जैसा आज तक सहती आई, पर थारे माँ बाप जिनके लिए तूने इतना कुछ किया, जब लोग उन पर उंगली उठावेंगे तब, जब उनकी परवरिश पर उंगली उठेगी तब।
रागिनी के डिवोर्स के बाद हम अपना रिश्ता फिर से जोड़ सकते हैं ना? हम आपसे बहुत प्यार करते हैं लक, हम आपको कभी भूल नहीं सकते क्योंकि आप हमारा पहला प्यार है। तुमसे बात करनी है। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। थोड़ा मुझे बात करने का मौका तो दो। लक्ष्य, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लीव माय हैंड। मैंने कहा ना मुझे तुमसे बात करनी है। चल। पर मैंने कहा ना मुझे कोई बात नहीं करनी है। लक्ष्य जानता हूं स्वरा, तुम इस रिश्ते के लिए कभी हानि करोगे और मैं तुम पर कभी कोई दबाव नहीं डालूंगा। अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगा, हमेशा एक दोस्त बनकर रहूंगा। तुम्हारा बहुत अच्छा छोरा है संस्कार, तूने ना बहुत अच्छा किया, सब कुछ अच्छा किया। तूने शादी के लिए मना कर दिया, तलाक के लिए हाँ कर दिया, लेकिन संस्कार थारे को जे बोलने की के जरूरत थी कि अगर स्वरा हाँ कर देगी तो? क्योंकि मॉम मैं जानता हूँ कि वो कभी हाँ नहीं कहेगी। अरे हाँ, वो छोरी तो थारे से प्यार ही ना करे है ना? वाह, आप इस दुनिया की पहली माँ होगी जो अपने बेटे के दिल टूटने पर खुश हो रही है। ना ना संस्कार, मारा वो मतलब ना था, मारे को तो ना बस इतनी सी दिक्कत है कि ये छोरी बंगाली है। सीरियसली मॉम, इतना सब कुछ हो गया और आपको इस बात की फिक्र है कि वो लड़की कौन सी जाति की है? मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं और स्वरा कभी एक नहीं होंगे, और साथ साथ एक और वादा करता हूं कि स्वरा की जगह मेरी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। मैं कभी शादी नहीं करूंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। नमस्ते शिखर बाबू। नमस्ते दुर्गा प्रसाद जी। माँ ये बैठी, माँ 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 दुर्गा प्रसाद जी आए। नमस्कार, बैठिए। नमस्ते, माफ कीजिएगा शेखर बाबू, बिना बताए चले आए। ये दरअसल ये देने थे आपको, रागिनी और लक्ष्य के तलाक के कागज हैं। भाई क्या कर रहे हैं? लकी, तूने गलती से मुझे फोन मिला दिया था, तो मैंने तेरी और स्वरा की सारी बातें सुन दी। मैं डर गया था कि यहाँ कोई बड़ा तमाशा ना खड़ा हो, इसलिए मैं फौरन यहाँ चला आया। भाई तूने तूने सुना ना स्वरा ने क्या कहा? पर इसमें भी तेरी ही गलती। क्या? तू जल्दबाजी में कुछ भी कर जाता है लक्ष्य,
पहले तो बिना सोचे समझे तूने रागिनी से शादी की। चलो वो बात भी संभल गई। अब जब सब कुछ सही हो गया है तो चीजों को नॉर्मल होने के लिए थोड़ा समय तो दे। तू तो स्वरा के पीछे पड़ गया है कि वो तुझे वापस अपना ले। ऑब्वियसली कोई भी लड़की डरेगी और हर बार तू अपना फैसला बदल देता है। इतने दिनों तक तू उस पर इल्जाम लगाता रहा, उससे नफरत करता रहा और एक दिन तुझे उससे वापस प्यार हो गया। तेरी यही प्रॉब्लम है लकी। गलती तू खुद करता है और गलत पूरी दुनिया को ठहराता है। हाँ भाई सही कहा तूने, पर इस बार तो मुझे जल्दी फैसला लेना ही था ना, क्योंकि स्वरा लकी उसे थोड़ा समय तो दे। नहीं भाई वो सिर्फ गुस्सा है, उसकी जैसी नाराजगी दूर होगी वो मान जाएगी। ये सब तो वो बस मुझे सजा देने के लिए कर रही है। स्वरा ऐसी लड़की नहीं है, पर फिर भी तुझे ऐसा लगता है कि स्वरा ये सब जानबूझकर कर रही है तो करने दे। तूने उसे सजा मांगी ना, तू है किसकी तरफ? सॉरी भाई वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि स्वरा हमारे रिश्ते को एक और मौका दे क्यों नहीं रही है। भाई तू चाहता है ना कि मैं हमेशा खुश रहूं? मैं चाहता हूं कि तुझे सारी खुशियां मिल जाए। तो भाई स्वरा को बोलना कि वो तुम्हारे डिवोर्स के लिए मान जाए, क्योंकि तुम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते नहीं हो। तो फिर भाई मेरी तरफ देखना प्लीज, प्लीज स्वरा से जाके अभी बात कर। देख लकी मुझे स्वरा से बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैं उसे किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा। मैं सिर्फ अपनी बात कहूंगा, वो मान गई तो ठीक है वरना लकी मैं उसके आगे और कुछ भी। संस्कार तुम कब आए? माँ भाई बस अभी थोड़ी देर पहले आया। इनफैक्ट अच्छा है कि आ गया, अब एटलीस्ट वो स्वरा से बात कर लेंगे और सोच लेंगे कि सही कहा लक्ष्मी। संस्कार लक्ष्मी तुम्हें बता दिया होगा कि स्वरा ने इस रिश्ते के बारे में सोचने के लिए वक्त मांगा है। मैं बहुत खुश हूँ, उम्मीद करती हूँ कि वो भी हाँ बोल देगी। संस्कार तुम्हें याद है ना अपना वादा? तुमने कहा था कि अगर स्वरा इस रिश्ते को मानेगी तो तुम भी उसे मानोगे। अच्छा भाई तुम जाओ स्वरा से बात करो। तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। ये तुम क्या कह रही हो रागिनी? स्वरा बस अब अपनी जिंदगी और बर्बाद मत करो। तुम्हारे इस फैसले से कुछ नहीं बदलेगा, और थोड़ा अपनी खुशियों के बारे में भी तो सोचो। हम सब तुम्हारी खुशी चाहते हैं और तुम्हारी खुशी लक्ष्य के साथ रहने में। फिर तुम क्यों सब बदलना चाहती हो? स्वरा तुम संस्कार से प्यार नहीं करती और लक्ष्म से प्यार नहीं करते, तो इन रिश्तों का कोई मतलब नहीं है। स्वरा प्लीज हमें अपनी ही नजरों में इतना भी मत गिराओ कि हम जी ना पाए। रागिनी ये सब कुछ तुम क्या बोले जा रही हो? स्वरा बहुत मुश्किल से किशन जी ने हमें ये मौका दिया है कि हम सब ठीक कर पाए। हम जानते हैं कि लक्ष्य को लग रहा है हम नाटक कर रहे हैं, पर स्वरा रागिनी जिसे जो लगना है लगे, पर मैं जानती हूँ कि तुम बदल गई हो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और तुम इसे सुधारना चाहती हो। इसीलिए रागिनी मैं तुम्हें लक्ष्य की माफी दिलवा कर रहूंगी। मैंने नीचे सबसे झूठ बोला, मैं संस्कार से शादी नहीं रखना चाहती थी, वो बस थोड़ा सा वक्त चाहिए था इसलिए सब बोल दिया। पर रागिनी तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं लक्ष्य से प्यार करती हूँ। वो सिर्फ तुम्हारा पति है और तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें और लक्ष्य को एक करके रहूंगी, क्योंकि मेरे लिए मेरी बहन की खुशी से ज्यादा और कुछ नहीं है। बस एक बार संस्कार से बात कर लूं और
संस्कार आया है। अच्छा वो खुद ही आ गया, उससे बात करनी थी। चलिए ना। ये थारे लिए। वैसे संस्कार बेटा, बहुत अच्छा किया तूने कि खुद स्वरा से बात करने आ गया। बस मैं तो कहूँ अब तू स्वरा को अच्छे से मना ले, ताकि वो इस शादी के लिए राजी हो जाए और फिर तुम दोनों अपनी जिंदगी खुशी से बिताओ। बेटा मैं तो खुद को बहुत नसीब वाला समझूंगा अगर तुम्हारे जैसा जीवन साथी मेरी बच्ची को मिले तो। चले। बाहर क्यों जाना है? अठे बैठ के बात कर लो ना। मां दोनों समझदार हैं, बड़े हो गए। जा बेटा। तुमसे प्यार करने लगा हूँ, लगा हूँ, लगा हूँ। I love you, sweetheart. तुमने मुझे धोखा दिया है। हम दोनों दोस्त थे, फिर हमारे बीच ये प्यार व्यार की बातें कहाँ से आ गई? जब आप सब लोग इस रिश्ते के बारे में इतना श्योर है, तो मेरा भी फर्ज बनता है ना कि मैं एक मौका दूँ। सॉरी संस्कार। क्यों? वो मैंने तुमसे बिना पूछे रिश्ते के बारे में सोचने का टाइम मांग लिया। मैंने सब सुन दिया, मैं बाहर ही खड़ा था। I'm really sorry, संस्कार, मैं कुछ ज्यादा ही मतलब भी होती जा रही हूँ। मतलब कल मैंने तुम्हें इतना कुछ सुना दिया, तुमसे दोस्ती भी तोड़ दी। स्वरा, तुमने वही किया जो हम एक अच्छे दोस्त के साथ करते हैं। नहीं संस्कार, I took you for granted। हक है तुम्हारा स्वरा, हम दोस्त हैं स्वरा। स्वरा, पर मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि तुमने ये क्यों किया? लक्ष्य मेरी कोई भी बात समझना ही नहीं चाहता है संस्कार। वो घर में जाकर तमाशा करने वाला था, मुझे उसे रोकने के लिए ये सब कुछ कहना पड़ा। संस्कार पता नहीं उसे एक बार में समझ क्यों नहीं आ रहा है कि मैं उसकी लाइफ में फिर से नहीं जाना चाहती। वो मेरे लिए रागिनी का पति है और हमेशा वही रहेगा। बस यही एक रीजन है जिसकी वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ा। एक और सच है इसके पीछे। संस्कार मैं चाहती हूँ कि लक्ष्य रागिनी को अपना ले। रागिनी उससे बहुत प्यार करती है। स्वरा, इतने दिनों तक जब हम रागिनी का सच बाहर लाने की कोशिश कर रहे थे, तब हम सब ने उससे यही कहा कि उसने अपने स्वार्थ के लिए लक्ष्य को तुमसे छीना।